तो दोस्तों सुधांशु पांडे एके वनराज अनुपमा सीरियल ने दिया बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जिससे पता चल चुका है फाइनली कि आखिर क्यों अनुपमा शो नंबर वन रेटिंग पे जाता है हर साल। दोस्तों बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है वनराज एके सुधांशु पांडे ने, जिससे बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि क्यों इसी शो को मिलता है बार बार नंबर वन रेटिंग। चलिए जानते हैं क्यों मिलता है। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सेले स्पीक्स और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जैन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अनुपमा इस टाइम टॉप हिट शो में चलता है, जिसमें रूपाली गांगुली एज अनुपमा का रोल प्ले करते हुए, दूसरी तरफ सुधांशु पांडे एज अ वनराज। दोस्तों उन्होंने बताया है कि क्यों हम इतना अनुपमा को पसंद करते हैं वही वनराज को नहीं। मैं आपको बता दूं उनकी स्टेटमेंट क्या थी। वो बोलते हैं, शो या ऐसी फिल्में हमेशा पसंद की जाती हैं क्योंकि इनमें रिश्ते का खूब उतार चढ़ाव देखा जाता है। लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि लव ट्रायंगल में क्या होने वाला है। दर्शकों का एक बड़ा तबका ऐसे शो देखना पसंद करता है। ऐसे शोज बहुत चलते हैं क्योंकि हर एक किरदार एक साथ दर्शक इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। दोस्तों वो कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग वनराज को इतना हेट नहीं करते तो हम अनुपमा को इतना प्यार नहीं करते। वो बताना चाहते हैं कि हम ऑडियंस इस शो को इसलिए इतना पसंद करती क्योंकि हमें जो लव ट्रायंगल देखने को मिलता है उसमें हम उत्सुक रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन्होंने आगे स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि अगर अभी आप वनराज को नफरत करते हैं अनुपमा को प्यार, आगे कुछ चल के आप वनराज को सहानुभूति देंगे अनुपमा से नफरत करने पर लगेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा टाइम भी आएगा जिसमें आप काव्य को भी पसंद करने लगेंगे और इन दोनों से नफरत। तो दोस्तों ये एक शो का इन्होंने एक इनका ट्रिकी प्लान है ये दिखाने का, ये लव ट्रायंगल दिखाने का, जिसकी वजह से ये चाहता है शो हिट। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं वनराज साफ कबूल करते हैं कि ये एक शो की प्लानिंग है, ये शो का तरीका है। जिस तरीके से लोगों ने लव ट्रायंगल दिखाया आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे वनराज को सहानुभूति दी जा रही है अनुपमा से ज्यादा। तो उनका यही कहना है कि आगे शायद सभी काव्य दिखे सहानुभूति बटोरते हुए लोगों की, ना कि अनुपमा वनराज। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इसी वजह से ये शो हिट है या कोई और बड़ी वजह है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके क्या ख्याल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।